Hello friends, myself Raj Deepak Singh, and as I've told you this is my new YouTube channel. So in this particular video, I'm going to give you like best 60 questions, for current affairs section from 1st of Jan to like 7th of Jan 2021. Okay, 2021, and these current affairs is basically specifically for the FCI AGM, general administration plus technical students, like technical plus this is very effective also in other competitive exams, like the upcoming exams which is going to happen for, like, you can say that SBI clerk mains and IBPS exams, which are very much tentative and which are going to be conducted in like upcoming months. So look, this video is based on like 1st to 7th January. So this is very effective in the present exams. मतलब ये वीडियोस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे जो अभी करंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं विद इन मंथ्स. ओके, क्योंकि ये जनवरी का करंट अफेयर्स मैं करा रहा हूँ ये नज़र में रखते हुए कि आपका FCI AGM का भी है, ठीक है ना. Okay, so now let's start with this. So our first question is, where did Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari announce the setting up of multimodal logistic park? So the correct answer for this question is Silchar. Silchar is in Assam. ठीक है, Silchar Assam में है. और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ हैं, वो जो मिनिस्ट्री है वो नितिन गडकरी के हाथ में है, ठीक है. नितिन गडकरी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो नागपुर से ये मतलब लड़े थे, नागपुर महाराष्ट्र से, इन्होंने महाराष्ट्र से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, यहाँ से इन्होंने जीता था. दूसरा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ये देना चाहूँगा कि इसमें बोला है कि सेटिंग अप ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बना है, जहाँ पे नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है. इसका एक जो एडिशनल क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है. तो जो करेक्ट आंसर है वो गुजरात में है, GUJARAT, ठीक है. गुजरात में लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इंडिया का, ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड क्वेश्चन. सो इंडियन रेलवेज कंप्लीटेड सक्सेसफुल speed trials of the new design Vistadome tourist coaches made by Integral Coach Factory at what speed? So the correct answer is 180 km/h. मतलब इंडियन रेलवे ने अभी करंटली एक क्या बोलते हैं न्यू विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस को वो डिज़ाइन किया है, और ये डिज़ाइन किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने, ठीक है. और इसको टेस्ट किया गया है किस स्पीड पे, एज ए ट्रायल 180 km/h. ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम इन ऑर्डर टू बूस्ट द डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. यानी कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे किसका, मिसाइल्स का, किस क्यों, इन ऑर्डर टू बूस्ट द डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. तो इसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है लाइक इसका जो करेक्ट आंसर है कि हम आकाश मिसाइल को लाइक बूस्ट करेंगे डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में. अब इसमें जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफेंस डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसका मेजर पार्ट कौन करता है. तो उसका मेजर पार्ट एक्चुअली हमारा DRDO करता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, DRDO हमारा ये काम करता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. द वर्क ऑफ द DRDO इज़ टू लाइक मैन्युफैक्चर arms and ammunition for our armies को based on new technologies. ओके, तो DRDO का काम ये है. अब DRDO के चेयरमैन कौन है? तो DRDO के चेयरमैन जो हैं वो जी किशन रेड्डी हैं. ठीक है, जी किशन रेड्डी हैं. और जो मैं इसमें एक एडिशनल और चीज़ बताऊंगा कि आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि ये तो DRDO के जी किशन रेड्डी हैं, एक जी सतीश रेड्डी भी हैं सेम. इसमें लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ. इसमें बहुत कंफ्यूजन आती है. पहला है जी किशन रेड्डी, दूसरा है जी सतीश रेड्डी. जी किशन रेड्डी तो मैंने आपको बता दिया कि ये DRDO के चेयरमैन हैं. जो जी सतीश रेड्डी हैं ये एक्चुअली में हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्जेस इन डिफेंस सेक्टर. रिमेंबर दिस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट चार्जेस इन डिफेंस सेक्टर इज जी सतीश रेड्डी. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट question and a very doubtful question. Student always used to do wrong things in this. Okay, so you have to remember this. आपको हमेशा इसको याद रखना पड़ेगा. Okay, so और with respect to this question I just want to add more things कि यहाँ पे बोला है कि आकाश मिसाइल जो है ये इसको बूस्ट करेंगे डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में. तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होगा वो जो ये आकाश मिसाइल या फिर उन्होंने आकाश मिसाइल को सबसे टॉप पे रखा है. और इसमें ये क्या करेंगे, इस मिसाइल्स को ये एक्सपोर्ट करेंगे. एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे? डिफरेंट कंट्रीज़ में करेंगे. ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में करेंगे, बाहर एक्सपोर्ट करेंगे. और ये एक तरह से क्या बोलते हैं, इंडिजीनियस मिसाइल्स होंगे जो ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं. और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. लाइक यू कैन से दैट आत्मनिर्भर भारत का एक वन ऑफ द इनिशिएटिव आप कह सकते हो, एक पार्ट कह सकते हो, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में बूस्ट होगा. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Where did Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of All India Institute of Medical Science in December 2020? यानी कि बेसिकली जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लगाया एम्स के लिए? तो वो बेसिकली उन्होंने राजकोट में लगाया है. ठीक है, उन्होंने कहाँ लगाया? राजकोट में लगाया. राजकोट कहाँ है? गुजरात में. गुजरात में. इससे एडिशनल एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि करंटली अभी एक एम्स बना है, एम्स का निर्माण किया गया है. कहाँ पे? बिहार में, बिहार के बेगूसराय में. बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक रिसेंटली बेगूसराय SARAI, ठीक है, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में भी रिसेंटली एक एम्स का निर्माण किया गया है. ठीक है, इसका आंसर राजकोट है, गुजरात. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Your next question is like which bank has collaborated with Salesforce, a leader in customer relationship management, to build a next generation technology platform to power the retail lending business? Okay, so the correct answer is Yes Bank. Yes Bank ने collaborate किया है Salesforce के साथ. Salesforce, ठीक है, सेल्सफोर्स क्या है? अ लीडर इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टू बिल्ड अ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू पावर द रिटेल लैंडिंग बिजनेस. ओके, तो बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि ये रिटेल लैंडिंग बिजनेस को पावरफुल बनाने के लिए येस बैंक ने सेल्सफोर्स के साथ वो अपना कोलैबोरेशन किया है. अब यहाँ पे बिज़नेस तो ठीक है, व्यापार हो गया. बिज़नेस किस चीज़ का कर रहे हैं? ये लैंडिंग का कर रहे हैं. लैंडिंग का काम क्या होता है? लोन का काम होता है. अब ये लोन किस बेस पे है? किसको दे रहे हैं? रिटेल को दे रहे हैं. अब रिटेल लैंडिंग बिजनेस में क्या होता है? रिटेलर्स, आप समझ लो कि ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, रिटेलर्स इनके लिए कस्टमर्स हैं. ठीक है, रिटेलर्स इनके लिए कस्टमर्स हैं, रिटेल लैंडिंग बिजनेस. अब ये जो रिटेल लैंडिंग बिजनेस है ये कस्टमर्स को लोन देने का काम करेंगे. उसके लिए येस बैंक ने सेल्सफोर्स के साथ अपना कोलैबोरेशन किया है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फॉरेन बैंक इन इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस ट्रैवल नाउ, अ वन स्टॉप ट्रैवल मार्केट प्लेस विद इन इट्स ऐप? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो DBS बैंक है, सिंगापुर का बैंक है. तो DBS इज़ बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ DBS इज़ एक्चुअली डॉयचे बैंक ऑफ सिंगापुर बैंक, ओके, लाइक डीबीएस है तो सिंगापुर का, लेकिन इसके कई सारे ब्रांचेस इंडिया में भी हैं, ओके, कई सारे ब्रांचेस इंडिया में भी हैं, इसलिए इसमें बोला है कि विच फॉरेन बैंक इन इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस ट्रैवल नाउ, उन्होंने ट्रैवल नाउ इंट्रोड्यूस किया है, वन स्टॉप ट्रैवल मार्केट प्लेस विद इन इट्स ऐप, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डीबीएस, ये सिंगापुर का बैंक है, रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर, yes, this is most important question right now, okay, this is one of the most important question which is being asked in many exams currently, ठीक है। Pimpri Chinchwad Municipal Corporation PCMC of Pune signed an MOU with which of the following to co-create India's first social impact bond, okay, तो मतलब पिंपरी छिंचवाड़ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है पुणे में है ये, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र, इस इन्होंने किसके साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, किस लिए, टू को क्रिएट इंडियाज़ फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, ठीक है, ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, रिमेंबर दिस, आई एम टेलिंग यू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नाउ यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ईजी है कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, सबको पता होता है USA में, न्यूयॉर्क में, लेकिन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये एक्चुअल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, यानी इसके ब्रांचेस के आपके क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ब्रांच हैं, उसमें से एक है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसके साथ पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड मतलब साइन किया है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है कि ये इसको लाइक वो बॉन्ड मतलब बनाएंगे यहाँ पे UNDP पे, ठीक है। सो दिस इज़ इट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फॉर द कंट्रीज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट टू बी सेट अप इन द स्टेट अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन MOU फॉर द कंट्रीज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट सेटअप करना है हमें, कहाँ पे सेटअप होगा, स्टेट अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी कि ये जो इथेनॉल प्लांट होगा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेक होगा प्लस जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका भी स्टेक होगा, ठीक है, उनका भी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं उन दोनों के कोलैबोरेशन से फर्स्ट इथेनॉल जो प्लांट है वो सेटअप हो रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल, ठीक है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं और छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो रायपुर है, ठीक है। दिस इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Your next question is the state the Common Service Centre CSC has partnered with which institute to establish a design and innovation lab for conducting research on design led innovation related to leveraging livelihood, ठीक है, तो ये बेसिकली जो पार्टनरशिप हुई है ये IIT दिल्ली के साथ हुई है, ठीक है, IIT दिल्ली। अब ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है इसमें बोला है द कॉमन सर्विस सेंटर हैज़ पार्टनर्ड विद IIT दिल्ली टू एस्टेब्लिश अ डिज़ाइन एंड इनोवेशन लैब, किस चीज़, क्यों इनोवेशन लैब ये बना रहे हैं IIT दिल्ली में, फॉर कंडक्टिंग रिसर्च डिज़ाइन लेड इनोवेशन रिलेटेड टू लेवरेजिंग लाइवलीहुड, यानी कि लोगों के लाइवलीहुड को ईजी करने के लिए IIT दिल्ली का कोलैबोरेशन या फिर पार्टनरशिप हुआ है कॉमन सर्विस सेंटर के साथ। अब ये CSC होते हैं क्या हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, लुक ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है राइट नाउ इन इंडिया इज़ एट पीक, यानी इसका हर ये आपको कॉमन सर्विस सेंटर हर जगह मिलेंगे। अब इसका पर्पस क्या है, लुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, इनिशिएटिव्स मतलब बहुत सारे उन्होंने स्कीम्स लॉन्च किए होते हैं। अब इन स्कीम्स को जो रूरल एरियाज़ हैं और जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको एकदम डेप्थ में पहुंचाने के लिए, लाइक आप समझ लो जो फार्मर्स हैं, जो क्या बोलते हैं हमारे गांव के लोग हैं, उनको डेप्थ में पहुंचाने के लिए कोई माध्यम नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक लाइक डिस्ट्रिक्ट में कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण कर दिया। अब ये कॉमन सर्विस सेंटर डायरेक्ट इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पे बीच में बहुत सारे लेयर्स आप कह सकते हो, लेकिन अब ये कॉमन सर्विस सेंटर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट के हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो ये डायरेक्ट रीच कर जाएंगे पीपल्स तक, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के पीपल्स तक। और फिर ये अपने सारे सर्विस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उनके सर्विस को पहुँचाएँगे। तो क्या कॉमन सर्विस सेंटर सिर्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को पहुंचाते हैं? नहीं, जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो बेसिकली बोथ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट डिफरेंट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराना चाहती है तो वो कॉमन सर्विस सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर दिस, सो दिस इज़ IIT दिल्ली, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The government extended the tenure of Whom as the Secretary of Department of Space and Chairman of Space Commission by a year। यानी एक साल तक किसका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, जो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो K शिवन है, ठीक है। K शिवन कौन है? K शिवन बेसिकली जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके चेयरमैन है K शिवन, ठीक है। इनको, इनका जो टेन्योर है वो एक साल बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये अब जनवरी 2022 में इनका क्या बोलते हैं, जनवरी 2022 तक इनका टेन्योर है, ठीक है, वहाँ तक इनका टेन्योर है। K शिवन जो हैं ये बहुत ही लाइक यू कैन से दैट बहुत ही प्रेस्टीज पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही स्किल्ड पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने ही हमारे सारे करेंटली स्पेस के मिशंस को ये मॉनिटर करते हैं, और ये क्योंकि ये चेयरमैन ऑफ इसरो हैं इसलिए इन्हें करेंटली इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टरेट की उपाधि K शिवन को कहाँ पे मिला है, तो ये बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया है बेंगलुरु में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसरो के चेयरमैन है K शिवन, ये आपसे पूछ सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इट्स ओन क्रॉप रिलीफ स्कीम किसान फसल राहत योजना टू रिप्लेस द प्राइम मिनिस्टर्स इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो झारखंड है। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके हेमंत सोरेन हैं, ठीक है। हेमंत सोरेन ने ये किसान फसल राहत योजना लॉन्च किया है, और इन्होंने बेसिकली जो प्रधानमंत्री का जो इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY को ये एक्चुअली में रिप्लेस करके क्या बना रहे हैं, अपने स्टेट में स्पेसिफिकली किसान फसल राहत योजना। यानी कि अगर आप झारखंड में जाओगे तो वहाँ के किसान को PMFBY ना मिलके वो बेसिकली किसान फसल राहत योजना, सेम स्कीम है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अपने नाम से लॉन्च किया, रिप्लेस कर दिया है उसको, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये बेसिकली क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, लाइक फसल्स के लिए फार्मर्स को लाइक हेल्प करने के लिए स्कीम्स लाया गया था, वही हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन ने अभी इसको रिप्लेस किया है, ठीक है। और झारखंड की जो कैपिटल है वो रांची है, जहाँ से हमारे फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट फॉर जनवरी मार्च 2021 क्वार्टर? सो द करेक्ट आंसर इज 6.8%, ठीक है। 6.8% इज़ द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंटरेस्ट रेट फॉर जनवरी टू मार्च 2001 क्वार्टर। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, लाइक यहाँ पे पूछा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का, मैं आपको एडिशनल दे देता हूँ, लाइक प्रोविडेंट फंड हो गया आपका, क्या बोलते हैं प्रोविडेंट फंड का, या फिर जो आपकी ये सुकन्या समृद्धि योजना होती है, प्राइम मिनिस्टर की जो सुकन्या समृद्धि योजना थी लाइक गर्ल चाइल्ड के लिए, उसमें भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड में भी इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में तो 6.8% बता ही दिया मैंने। लुक, ये जितने भी इंटरेस्ट रेट होते हैं, इनका जो पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का होता है, ठीक है, 3 मंथ्स का होता है, यानी कि ये हर एक 3 महीने बाद चेंज होंगे। तो ये जो 6.8% है ये करंटली सिर्फ जनवरी से मार्च के लिए है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग दैट वेन एवर इज़ योर एग्ज़ाम यू हैव टू लाइक रीड दोज इंटरेस्ट रेट्स विच आर करेंटली बीइंग इन द अफेयर्स। ओके, आपको करंट वाले पढ़ने हैं इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में सोचना है। वो कभी भी लाइक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर वो पुराना पूछते हैं, वो हमेशा करंट इंटरेस्ट रेट पूछते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन 6.8% ऑलवेज़ रिमेंबर, आपको हमेशा अपडेट रहना है लाइक ये इंटरेस्ट रेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विद विच स्टेट यूनियन टेरेटरीज गवर्नमेंट हैज़ solar firm Oakridge Energy signed agreement to solarize 1,000 schools in state union territory by 2022. Okay, so this is one of the most important question right now, क्योंकि ये बहुत ही current question है। इस question में जो पूछा गया है कि कौन सी state ने सोलर फर्म है ओकरिज एनर्जी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू सोलराइज 1,000 स्कूल को सोलराइज किया है इन स्टेट यूनियन टेरिटरी बाय 2022। तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, ठीक है। अब ये जो स्कीम है बेसिकली ये अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्टेस्ट स्कीम है राइट नाउ इन द करंट सिनेरियो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस स्कीम ने क्या किया है, क्लीन एनर्जी को टारगेट किया है, ठीक है। ये क्लीन एनर्जी पर फोकस करके ये स्कीम लाए हैं, ठीक है। अब क्लीन एनर्जी का काम क्या होता है? क्लीन एनर्जी का काम होता है जिसमें कि हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ना करें, ठीक है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ना करके, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ना करके हम क्या बोलते हैं, जो भी एनर्जी प्रोडक्शन करें उसे ही कहते हैं क्लीन एनर्जी। उसका एग्जांपल है क्लीन एनर्जी। अब इसका पर्पस ये है कि एज़ यू नो दैट इन इंडिया सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन इंडिया में तो थर्मल से करते हैं। थर्मल लाइक जितने भी पावर प्लांट है थर्मल के, सबसे ज़्यादा हम एनर्जी इससे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिकली क्लीन एनर्जी नहीं है, ये क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल को डिस्ट्रक्ट करती है, यानी कि ये पर्यावरण को वो हानि पहुँचाती है, ठीक है। तो इसलिए जो दिल्ली सरकार है उन्होंने लाइक ये क्लीन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। ये इन्होंने क्या किया कि ओकरिज एक एनर्जी है जो क्या बोलते हैं सोलर फार्म एनर्जी है, सोलर फार्म ओकरिज एनर्जी एक कंपनी है, उनके साथ इन्होंने साइन किया। और जो दिल्ली में 1,000 स्कूल्स हैं, अब उसमें जो बिजली सप्लाई होगा, जो भी पावर इलेक्ट्रिसिटी होगा, वो हम सोलर यानी कि सौर ऊर्जा से हम वहाँ पे स्कूलों में बिजली को सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ है कि सबसे पहले तो हमें क्लीन एनर्जी मिलेगी, प्लस ये कॉन्सेप्ट है ग्रीन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है, लाइक हम पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे, ठीक है, पर्यावरण को। और ये एक पॉजिटिव इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी करंटली ये स्टेट ने पहली स्टेट है जिसने ऐसा किया है। और व्हाट आई थिंक दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो डिफरेंट स्टेट हैं अब वो दिल्ली के इस मॉडल को फॉलो करके वो अपने स्टेट में इस चीज़ को लागू करेंगे फॉर श्योर, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव दे रहा है सोलर फॉर्म, ये क्लीन एनर्जी का एक टारगेट है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है लाइक फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट, एंड इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बिकॉज लाइक many state governments have like now targeting this clean energy concept. Okay, so a good initiative and a very important question for the current exam. Now next question is your who has been appointed as the new chairman of like chief executive officer of railway board. तो railway board का जो new chairman है वो सुनीत शर्मा है। पहले कौन थे? वी के यादव थे, ठीक है, पहले वी के यादव थे, अब जो करंट चेयरमैन है वो सुनीत शर्मा है और क्या बोलते हैं इनको अपॉइंट किया गया है और ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं रेलवे बोर्ड के। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद तानसेन सम्मान 2020 फॉर हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक? पंडित सतीश व्यास। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है पंडित सतीश व्यास। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द टी प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग साइट्स फ्रॉम जापान विच हैज़ बीन रिकोगनाइज्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एज द ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, GIAHS। ओके, सो इसका मैं आपको बताना चाहूँगा आंसर है ट्रेडिशनल ट्री ग्रास सिस्टम। ये जापान की एक वो है, लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टी प्रोड्यूसिंग साइट। ये जापान की एक साइट्स है ट्रेडिशनल ट्री ग्रास सिस्टम, जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो FAO है, उसने क्या बोलते हैं इसे टी प्रोड्यूसिंग साइट्स का एक क्या बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट किया, रिकोगनाइज किया एज द ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ठीक है, इसको रिकोगनाइज़ किया गया। अब क्या सिर्फ जापान के इसी टी प्रोड्यूसिंग साइट्स को और वो रिकोगनाइज़ किया गया? नहीं, एक दो एडिशनल हैं। एक तो चाइना में भी किसी एक क्या बोलते हैं साइट्स को और रिकोगनाइज किया गया है, और एक है आपका साउथ कोरिया, आई थिंक जितना मुझे पता है, या साउथ कोरिया है, वहाँ की कंट्री में भी ये चीज़ एक किसी एक मतलब फॉर्म को इन्होंने या फिर किसी एक साइट को इन्होंने रिकोगनाइज़ किया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको ये चीज़ को सर्च करना है कि चाइना में क्या नाम है उस साइट का और साउथ कोरिया में नाम क्या है। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो हैव टू टाइप दिस द आंसर ऑफ द चाइना एंड साउथ कोरिया इन द कमेंट सेक्शन। Look, you have to type this, okay? This I am giving you as a homework. You can say that आप इसको बताना और comment section में ज़रूर type करना। ठीक है, अब इसमें मैं additionally आपको ये जोड़ना चाहूँगा कि जो Food and Agriculture Organization है, इसका headquarter कहाँ है? तो इसका headquarter कहाँ पर है? इटली में, इटली रोम में। ठीक है, इटली रोम में Food and Agriculture Organization का headquarter है। ये पूछता है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन पूछता है एग्जाम्स में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन सैंक्शनड 135 करोड़ बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सेट अप अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम? सो द करेक्ट आंसर इज़ IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद वो इंस्टीट्यूशन है जिसने हैज़ बिन सैंक्शनड, मतलब 135 करोड़ सैंक्शन किया गया बाय, किसने सैंक्शन किया? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सेटअप अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ IIT हैदराबाद। I want to give you some additional information, like Department of Space Science and Technology. Sorry, so look, Department of Science and Technology के जो minister हैं with respect to the central ministry यानी union government, उनका नाम है हर्षवर्धन। Most important question, हर्षवर्धन, VARDHAN। ठीक है, अब इनके पास currently 3 वो हैं, पोर्टफोलियो हैं, लाइक। ठीक है, 3 पोर्टफोलियो। ये बहुत कम लोग को पता है, बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। लुक, उनका सबसे पहला जो पोर्टफोलियो है यूनियन मिनिस्ट्री में, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स। ठीक है, उनका जो पहला है क्या है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स है। एक सेकेंड, ओके तो उनका जो पहला है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स है। इसके ये यूनियन मिनिस्टर हैं, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, ये क्या बोलते हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं अर्थ एंड साइंस के भी। रिमेंबर दिस, अर्थ एंड साइंस। और आप इसी में ऐड कर सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी ये मिनिस्टर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और एक एडिशनल मैं बताना चाहूँगा, ये यूनियन मिनिस्टर हैं, लाइक जो स्पेस होता है जो मैंने अभी आपको बताया था इसरो के, मतलब जो इसको मॉनिटर करता है वो कौन है, वो इन्हीं के अंडर में आता है, हर्षवर्धन के अंडर में आता है। तो इनके पास बहुत से 3 पोर्टफोलियो हैं इंपॉर्टेंट, एक हेल्थ मिनिस्ट्री की, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और स्पेस की। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू लाइक स्टैटिक अवेयरनेस आई एम सेइंग। ठीक है, ये स्टैटिक अवेयरनेस का क्वेश्चन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का तो आंसर मैंने आपको बता दिया, IIT हैदराबाद को सेंशन किया गया 135 करोड़। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, ओके। इंदिरा जोसेफ वेन्यूर हु पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी, ये तो करंटली था। ठीक है, ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत, ये आपको पूछ सकता है करंट एग्ज़ाम में। ओके, इंदिरा जोसेफ वेन्यूर एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थे। ना बूटा सिंह, ये एक पॉलिटिशियन है, इनका प्रोफेशन क्या है, पॉलिटिशियन थे ये। जॉन फुलटन रीड हु पासेस अवे वॉज द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ विच कंट्री? ये न्यूजीलैंड के बैट्समैन थे जॉन फुलटन रीड। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे टेस्ट क्रिकेट में लाइक बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है और ये अब नहीं रहे, लाइक नहीं रहे। और इसमें जो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो एक्चुअली में वेलिंगटन है। ठीक है, वेलिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, रिमेंबर दिस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government launched a mobile application DG Nest, okay, to give people digital access to the state government's directory which can be synced with the smartphone with the click of a button? यानी DG Nest किसने वो किया है, लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन? पंजाब की गवर्नमेंट है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, अमरिंदर सिंह है। पंजाब का गवर्नर कौन है, वीके बदनौर है, वीके सिंह बदनौर ऐसे ही हैं। ठीक है, वीके सिंह बदनौर, वीके सिंह बदनौर। ओके, पंजाब की कैपिटल क्या है, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ क्या है कि यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, यानी कि इसकी मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है एक्चुअली में, चंडीगढ़ जो है एक्चुअली में कैपिटल है 2 स्टेट्स की इंडियन की, एक तो पंजाब की है और हरियाणा की भी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। स्टैटिक का है, मैंने स्टैटिक का थोड़ा थोड़ा ऐड कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहेगा क्वेश्चन रिमेंबर करने में। मैं इसलिए स्टैटिक बता रहा हूँ, ऑलवेज रिमेंबर, मैं स्टैटिक इसलिए हल्का सा ऐड करता हूँ ताकि ये लाइक जो डीजी नेस्ट है ये आपको याद रहे एक्चुअल में कि ये किससे लिंक्ड है, क्योंकि डायरेक्ट अगर याद करोगे तो नहीं होने वाला, आपको थोड़ा लिंक करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए पंजाब के बारे में आपको थोड़ा बताया। ठीक है, now move to the next question. Which airport has recently become a CAT (CAT) compliant runway that can be used by aircraft even during inclement weather and foggy condition? यानी कि अगर हमारा वेदर और जो foggy condition, यानी अगर हमारा वेदर ख़राब रहेंगे तो उसमें रनवे, उसमें भी काम कौन सा एयरपोर्ट करेगा, तो उसको लाइक इन्होंने एक कंप्लाइंट बनाया है। ठीक है, एक उसको दर्जा दिया है, तो वो बेसिकली है CAT (IIB) का दर्जा इसको मिला है, कैंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेसिकली कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, और कर्नाटका हमारा कहाँ है, बेंगलुरु में है। सॉरी, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु। ठीक है, इसमें है ये हमारा कैंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक पूछ देगा कि कैंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, ये नहीं पता होता है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गया और ये करंट का क्वेश्चन हो गया कि CAT (IIIB) कंप्लाइंट किसको दिया गया। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? लुक, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे कौन से एग्ज़ाम में मिला था, मेंस के? हाँ, ये मुझे RRB PO के मेंस में मिला था, मुझे याद है। ये RRB PO मेंस में मुझे मिला था, ये मुझे IBPS PO में भी मिला था, IBPS PO मेंस में, आई थिंक, जितना मुझे रिमेंबर है। क्लर्क में नहीं पूछा था, हाँ ये पूछा था कि सोमा मोंडा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है सोमा मोंडल। अब वाई दे आर आस्किंग दिस, लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक PSU है और हमारे पास बहुत सारे PSUs हैं, तो ये सोमा मोंडल जो हैं, ये मतलब इसी PSU सेल के बारे में क्यों पूछ रहा है, लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया? द रीज़न ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली वुमेन चेयरमैन है, जिन्हें क्या बोलते हैं नया ये चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है, पहली वुमेन चेयरमैन है, इसलिए क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ रहा है। और हाँ, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड कि ये क्वेश्चन मुझे आरआरबी एनटीपीसी में भी मिला था। आरआरबी एनटीपीसी जो अभी करंटली चल रहे थे बहुत सारे फेजेस में, लाइक 6 फेजेस में हो रहे थे इसके एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन मुझे आरआरबी एनटीपीसी में भी मिला था। आई रिमेंबर दिस। So this is one of the most important question right now in the current affairs. Who is the chairman of SAIL? Soma Mondal. Move to the next question. Which state union territory government has signed an MOU with the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited, NAFED, to promote the state's horticulture produce in the global market? ये लाइक करंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बताया था कि ये होता है बागवान, लाइक बागवान विकास आप कह सकते हो, लाइक जहाँ पे फूड को या फिर वेजिटेबल्स वगैरह जहाँ पे लाइक आप समझ सकते हो एक लाइक वो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली MOU साइन किया है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, ठीक है। Signed an MOU with the NAFED to promote the state's horticulture produce in global and market. तो ये basically जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में हुआ है, ठीक है, साइन किया गया है MOU। किसके साथ? NAFED के साथ। Move to the next question. In January 21, NPCI announced transactions through which medium to be completely free. तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगेन इसका आंसर है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं लिख रहा हूँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, ये एक आप कह सकते हो एक माध्यम है एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का यूपीसीआई एक माध्यम है जहाँ से हम ट्रांजेक्शन करते हैं। और अब आप कभी भी यूपीआई से ट्रांजेक्शन करोगे तो इस पर कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, टू बी कम्प्लीटली फ्री, ठीक है। कोई भी आप ट्रांजेक्शन करो, आप सारा ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली फ्री में होगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ यूपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑगमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन विच स्टेट इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड और 231 मिलियन लोन एग्रीमेंट, ठीक है। अब लुक, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन को ये बहुत सारे तरीक़ों से ट्विस्ट कर सकते हैं। मैं आपको पार्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को ही देख लो, टू ऑगमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन विच स्टेट, कौन से स्टेट ने इंडिया के एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 231 मिलियन लोन एग्रीमेंट साइन किया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए? तो वो करेक्ट आंसर है असम। असम ने किया है ये, ठीक है। अब असम ने ये इस किस चीज़ के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क दिस कि उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ये मैं वैरायटीज़ बता रहा हूँ। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रोजेक्ट। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रोजेक्ट, लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रोजेक्ट, जो कि आसाम में है। आसाम की गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन किया है 231 मिलियन लोन एग्रीमेंट। देखो, एक तो ये पूछेगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एक तो ये तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, सारे डाटा दे देगा, बोलेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है। दूसरा ये पूछेगा कि कितना अमाउंट के लिए मतलब साइन किया है, तो करेक्ट है 231 मिलियन US डॉलर। एक तो दूसरा वैरायटी ये हो सकता है। और तीसरा ये पूछ देगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन सी जो लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ किया है। तो आंसर क्या है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब मैं इसमें एक एडिशनल, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फ़िलीपींस में। मनीला फ़िलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। ओके, और इसके इसके बाद आप ये इतना आपको वैराइटीज़ मिल सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर आसाम है, रिमेंबर दिस। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे मिला था एग्ज़ाम्स में। आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट नेम ऑफ द एग्ज़ाम्स ऑफ मेंस एग्ज़ाम लाइक, बट आई हैव गेट दिस क्वेश्चन इन द मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू एक्सपेंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्म हाउस होल्ड इनकम, in which state India and the Asian Development Bank have signed a 10 million project readiness financing, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन दूसरा है, ठीक है, लिंक्ड वैसे ही है। इसमें आपको क्या बोलते हैं, डाटा उसको याद करना पड़ेगा, लाइक कितने मिलियन का है, कौन सी इंटरनेशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कौन सा पीआरएफ प्रोजेक्ट रेडीनेस फार्मिंग है, फिर किस चीज़ के लिए, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के लिए, कौन से स्टेट में वो हो रहा है लॉन्च, किस के लिए हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के लिए हो रहा है, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। लाइक ये एक आप कह सकते हो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है विच यू हैव टू ग्रैब दिस, ओके। सो टू एक्सपेंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बताया, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन यानी बागबानी विकास प्रोडक्शन एंड फार्म हाउस होल्ड इनकम, इन विच स्टेट इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 10 मिलियन का प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग को साइन किया है। तो ये हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के लिए, हिमाचल प्रदेश, रिमेंबर दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन इज़ ऑल्सो, you are going to get these questions for sure in FCI AGM, ठीक है। Now move to the next question. India along with 4 other countries has joined as a non-permanent member of the United Nations Security Council UNSC. Which one of the following is not among those? इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के साथ 4 अदर कंट्रीज़ ने नॉन परमानेंट मेंबर ज्वाइन किया है, तो उसमें से कौन सी कंट्री नहीं है इनमें से। तो आइसलैंड है, जो कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, आइसलैंड। अब इसमें मैं बहुत ही आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि लुक, यूनाइटेड नेशन जैसा कि आपको पता है ये न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब इसमें ये 2 में बटा हुआ है, मतलब इसके मेंबरशिप के बारे में मैं बता रहा हूँ, 2 में बटा हुआ है। एक होता है परमानेंट मेंबर्स, ठीक होता है, ठीक है, एक परमानेंट, एक होता है नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। जो परमानेंट मेंबर होता है उसमें टोटल 10 मेंबर यानी कि 10 कंट्री हैं, 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 10 कंट्रीज़ हैं परमानेंट मेंबर्स में। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें टोटल 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जब आप दोनों को सम अप करोगे तो आपको टोटल मिलेगा 15 कंट्रीज़ हैं जो कि यूएन बॉडीज़ में मेंबर हैं। ये पूछता है, पूछ देगा कि परमानेंट मेंबर में कितने हैं, तो 10 हो जाएगा, नॉन परमानेंट मेंबर में कितने हैं, तो ये हो जाएगा। टोटल यूनाइटेड नेशन बॉडी में कितने मेंबर हैं, तो 15 कंट्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने बहुत ही आपको डीप नॉलेज दे रहा हूँ। अब इसमें एक जो एडिशनल चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका टेन्योर कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। आप समझ लो 3 साल की वैलिडिटी होती है, ठीक है। 3 साल की वैलिडिटी के बाद ये जो 5 मेंबर हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर नहीं रहेंगे। इन्हें नॉन परमानेंट मेंबर रहने के लिए फिर से अपने क्या बोलते हैं, इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, एनपीएम, नॉन परमानेंट मेंबरशिप को रिन्यू कराना पड़ेगा। और वो डिसाइड करती है यूनाइटेड नेशन बॉडी कि हम इनको फिर से नॉन परमानेंट मेंबरशिप दें या नहीं दें। बट इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अदर कंट्रीज़ होती हैं और जो ये 5 कंट्रीज़ हैं इनकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा होती हैं कि इन्हें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगा। मतलब अगर यूनाइटेड नेशन को अगर परमानेंट बॉडी में किसी कंट्री को डालना होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस ये एनपीएम को देंगे। अगर ये एनपीएम को देने के बाद फिर ये अदर कंट्रीज़ को मतलब वो करते हैं, लेकिन ये जल्दी देते नहीं हैं। ठीक है, परमानेंट मेंबरशिप। एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन बॉडी की, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। और इंडिया के साथ जो अदर 4 कंट्रीज़ हैं जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप में है, एक तो केन्या हो गया, एक नॉर्वे हो गया, एक युगांडा है, एक मैक्सिको है और एक खुद इंडिया है। तो ये टोटल 5 हो गया ना। तो ये टोटल 5 क्या है, एनपीएम है, नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितना भी मैंने आपको डिटेलिंग में बताया ये स्टैटिक अवेयरनेस का क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये पता तो होना चाहिए फॉर श्योर, नहीं तो आप स्टैटिक में फिर नंबर नहीं गेन कर सकते। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IFSCA जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, situated where, has become an associate member of International Organization of Security Commission। तो सबसे पहले तो इसका करेक्ट आंसर है जो IFSCA जो situated है वो गुजरात के गांधीनगर में है, ठीक है, गांधीनगर में है ये। IFSCA कहाँ है, IFSCA ये गुजरात के गांधीनगर में है। और IFSCA किस में है, ये गिफ्ट सिटी में है, गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है उसमें IFSCA है और ये गांधीनगर में है, ठीक है। अब जो IFSCA है इसको एक एसोसिएट मेंबरशिप दे दिया गया है, किस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एसोसिएट मेंबरशिप दिया है, तो उसका नाम है आयोस्को, IOSCO, आयोस्को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड में है। मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में है। और स्पेन की जो कैपिटल है वो एक्चुअली मैड्रिड है, तो मैड्रिड इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन। तो ISCO कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है, मैड्रिड, स्पेन में। रिमेंबर दिस। अगेन दिस इज़, लुक ये क्वेश्चन भी मुझे मेंस के एग्ज़ाम में मिला था, मुझे याद है IBPS PO मेंस में पूछा गया था कि ISCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर था स्पेन, और स्पेन मैड्रिड में, ठीक है। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुक जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना राइट नाउ, वन ऑफ द, मैं कह रहा हूँ बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस हैं। आपको इतना लिंकेज मिलेगा इन क्वेश्चन से एग्ज़ाम में कि आप बहुत ही ईजिली क्वेश्चंस को वो कर सकोगे, मतलब अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द WHO हैज़ क्लियर्ड द विच कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर एमरजेंसी यूज़। तो राइट नाउ उन्होंने Pfizer को दिया हुआ है, Pfizer BioNTech जो है उसको एमरजेंसी यूज़ के लिए दे दिया गया है, ठीक है। एक सेकेंड, 28 आई थिंक, नो यस 29 30 Pfizer, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है Pfizer BioNTech। द WHO हैज़ क्लियर्ड द विच कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर एमरजेंसी यूज़। तो ये Pfizer BioNTech को इन्होंने ये एमरजेंसी यूज़ के लिए दे दिया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन। अब WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग अ 320 करोड़ प्रोजेक्ट for 5 major ports in order to provide a digital port ecosystem. Which one of the following is not one of those ports? तो इसमें correct answer है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक्चुअली में कोई पोर्ट ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहाँ कोई पोर्ट है, आपने उत्तर प्रदेश का कोस्टल एरिया नहीं है ना, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आप कोई अगर समझदार होगा तो उत्तर प्रदेश लगाएगा। लोग दीनदयाल जो है ये गुजरात का है, दीनदयाल, तो ये आई थिंक शायद ये गुजरात का है या फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट ये कोस्टल एरिया से बिलोंग करता है। कोलकाता तो आपको पता ही है ये कोस्टल एरियाज़ है, मुंबई भी है और चेन्नई भी है। तो एक उत्तर प्रदेश ही ऐसा कोस्टल एरिया है जहाँ पे वो कोस्टल एरिया को नहीं बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश। तो इसमें बोला है कि द गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग अ 320 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर 5 मेजर पोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ डिजिटल पोर्ट इकोसिस्टम। इसमें से कौन सा नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द पोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज़ उत्तर प्रदेश। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट विल होस्ट द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल इन मार्च 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो केरला की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021 को सेलिब्रेट कर रही है, ठीक है। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल केरला की गवर्नमेंट है, केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनारी विजयन, ठीक है, पिनारी विजयन। और लुक, ये क्वेश्चन जो ज़्यादातर मुझे एग्ज़ाम में मिले हैं, मतलब एक एग्ज़ाम में इसको भी पूछा गया है, तो इसमें ये नहीं पूछा था कि कौन से स्टेट में हो रहा है, इसमें ये पूछा था कि कौन सा एडिशन है। लाइक ऑप्शंस में दिया होता 1 2 3 4 ऐसे, तो करेक्ट आंसर था 4th एडिशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक वैरायटी ये है कि कौन सा एडिशन है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का, जो कि केरला में हुआ है, और उसको पिनारी विजयन ने वो किया होस्ट, मतलब होस्ट तो केरला ने किया, उसके पिनारी विजयन ने वो किया है, मतलब वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये 4th एडिशन है, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द 5-day नेशनल फोक डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर? तो ये जम्मू में हुआ था। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अभी लाइक दिसंबर में ही हुआ था। नेशनल फोक डांस फेस्टिवल जम्मू में हुआ था, ठीक है। इंडियाज़ अप्रैल-नवंबर फिस्कल डेफिसिट स्टूड एट व्हाट परसेंट ऑफ द फुल ईयर टारगेट? तो फुल ईयर टारगेट का 135% लाइक फिस्कल डेफिसिट था, 135% फिस्कल डेफिसिट था फॉर द अप्रैल नवंबर के लिए, अप्रैल नवंबर फिस्कल डेफिसिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन प्लेयर माइकल किंडो हु पासेस अवे वाज रिलेटेड टू हॉकी। माइकल किंडो जो हैं वो हॉकी के प्लेयर थे और वो मतलब पास्ट हो गए, नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्टिस पंकज मित्तल हैज़ बिन सॉन इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के जो पंकज मित्तल हैं वो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ लाइक कोर्ट हैं, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों के लिए हैं, दोनों यूनियन टेरिटरी के लिए पंकज मित्तल ही हैं क्या चीफ जस्टिस, नए चीफ जस्टिस। Which Indian two-wheeler company has become the first globally to cross a market capitalization of 1 trillion INR? INR means like Indian rupee, ठीक है। One of the most important question, like ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अगेन एग्ज़ाम में मुझे ये मिला था मेंस के, और इसका करेक्ट आंसर है बजाज ऑटो। और ये इसलिए बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि ये टू व्हीलर कंपनी है, टू व्हीलर कंपनी ने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन कर लिया है। दैट इज़ द रीज़न ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन। एंड हु इज़ दिस कंपनी? बजाज ऑटो, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न ऑफ आस्किंग इन द करेंट एग्ज़ाम्स, लाइक इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन हो गया है, टू व्हीलर कंपनी है बजाज ऑटो, ओके, रिमेंबर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bank in January 21 announced the launch of video KYC account opening VAO facility for its saving bank account? यानी कि आप वीडियो के थ्रू KYC करा सकते हो और अपना एक नया अकाउंट खोल सकते हो। इसको किसने किया था? IDB बैंक ने किया था। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और उससे आप कौन सा अकाउंट खोलोगे? सेविंग बैंक अकाउंट। IDB का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और IDB का हेड क्वार्टर कहाँ है? IDB का हेड क्वार्टर आपका मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में IDB का आपका हेड क्वार्टर है, और इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following has signed a 100 million loan with the government of India to modernize and upgrade the power distribution system to enhance the quality and reliability of electricity supply in Bengaluru city in the state of Karnataka? So basically Karnataka state में मतलब कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया $100 मिलियन का, किस लिए? फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 100 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, किस में? कर्नाटका, बेंगलुरु सिटी में, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पैब्लो सीजर ऑफ विच कंट्री विल हेड द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ज्यूरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि पैब्लो सीजर कौन से कंट्री के हैं, वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनो एरिस। अर्जेंटीना के मेस्सी भी हैं, मेस्सी अर्जेंटीना के हैं, और मैराडोना भी अर्जेंटीना का है, मैराडोना, ठीक है। और इसी मैराडोना से रिलेटेड मुझे एक मेंस में क्वेश्चन मिला था कि बेस्ट गोल करके क्वेश्चन था कि गोल ऑफ द सेंचुरी किससे दिया गया है, तो वो मैराडोना को दिया गया है। और ये गोल इन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मारा था, और ये कब मारा था, 1984 के वर्ल्ड कप में मारा था। ठीक है, 1984 के वर्ल्ड कप में मैराडोना ने मारा था। रिमेंबर दिस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है, ये तो मैंने बता दिया, इसका अर्जेंटीना आंसर है। अब इसमें पूछा है कि 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, इसका एडिशनल मैं बताना चाहूँगा कि ये कहाँ हुआ था। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर हुआ था, तो ये गोवा में हुआ था। ठीक है, और इसमें एक जो फोकस कंट्री जो थी, वो कौन सी थी फोकस कंट्री इसी 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो इसकी फोकस्ड कंट्री थी बांग्लादेश, BANGLADESH। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। करेंसी क्या है, टका। और उसके चीफ मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश के, शेख हसीना। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has launched launchpad scheme? Most important question again. ये launchpad scheme बहुत पूछ रहे हैं अभी current exam में। Launchpad scheme for boys and girls coming out of child care institution and having completed 18 year of age to be able to make self reliant। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और लोग, ये लॉन्च पैड स्कीम जो है, ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स कमिंग आउट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज टू बी एबल टू मेक दम सेल्फ रिलायंट। अब इसमें लॉन्च पैड स्कीम में बेसिकली ये पैड, लाइक सैनिटेशन पैड वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा ही कुछ है, हाँ, जितना मुझे पता है। और ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तरन कूटनयाहू एक्टर फ्रॉम विच कंट्री पास्ट अवे रिसेंटली? ये कनाडा के थे। ठीक है, ये बहुत ही लाइक कॉमन क्वेश्चन है कि तरन कूटनयाहू कौन से कंट्री के थे, तो ये कनाडा के थे। ठीक है, जो पास हो गए। ये एक एक्टर थे एक्चुअली। PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन of the National Environment Standard Laboratory. Where is National Physical Laboratory situated? ये दिल्ली में है। National Physical Laboratory दिल्ली में है। ठीक है। और which state union territory has set up a Tamil academy to promote the South Indian language and culture of state and union territory? तो correct answer is दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल। उप मुख्यमंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया। अब इन्होंने दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक लाइक तमिल एकेडमी को लॉन्च किया है, तमिल एकेडमी को सेटअप किया है, तमिल एकेडमी को सेटअप किया है। और इसमें वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो साउथ इंडियन लैंग्वेज है और जो उनका साउथ इंडियन कल्चर है, उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये तमिल एकेडमी को लाइक प्रमोट करने के लिए सेटअप किया है इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, सो दैट whoever the people who are like residing in Delhi from like south, they actually feel positive with respect to their culture. Like एक तरह से कल्चर को एनहांस करने के लिए ये किया गया। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ई कॉमर्स पोर्टल हैज़ अनवील्ड बाय द KVIC लाइक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, वेयर ओवर 50,000 प्रोजेक्ट रेंजिंग फ्रॉम एपरल टू होम डेकोर विल बी अवेलेबल? तो इस पोर्टल का जो नाम है वो ekhadiindia.com। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ekhadiindia.com। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RBI हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। द RBI DPI हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विद व्हाट एज द बेस पीरियड? लुक, जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, लुक, जो डिजिटल पेमेंट जो मैक्सिमम जो स्टार्ट हुआ था हमारा इंडिया में, वो 2018 से हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछ ही रहा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेस ईयर कौन सा है, बेस पीरियड कौन सा है जहाँ पे आरबीआई डीपीआई का कंस्ट्रक्शन हुआ था कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, तो उसका बेस ईयर मार्च 2018 में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका एग्जैक्ट याद करो कि मार्च 2018 में बेस पीरियड था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप द ब्लूमबर्ग्स बिलियनरी इंडेक्स 2021 इन विच रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी हैज़ बिन रिप्लेस्ड एज एशियाज़ रिचेस्ट पर्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जेफ बेजोस है, ठीक है। जेफ बेजोस कौन सी कंपनी ओन करते हैं? अमेज़न, अमेज़न को ओन करते हैं जेफ बेजोस, ठीक है। लेकिन इसमें मैं एक एडिशनल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखो इसमें एक कंडीशन दे दिया गया है, इन विच लिखा है ना यहाँ पे, इन विच, तो इसमें कंडीशन दे दिया गया है कि ब्लूमबर्ग्स बिलियनरी इंडेक्स में किसने टॉप किया है, जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो हैं वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं उस इंडेक्स में। तो उसमें तो जेफ बेजोस अमेज़न ने टॉप किया था। लेकिन अगर आपसे करंट पूछेगा कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट इंसान कौन है, तो वो है एलन मस्क। और इनकी कंपनी कौन सी है? टेस्ला, टेस्ला के ओनर हैं ये एलन मस्क। वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है ये करंटली, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे एलन मस्क। इन्होंने अमेज़न के जेफ बेजोस को पछाड़ दिया है, ठीक है, इन्होंने अमेज़न के जेफ बेजोस को पछाड़ दिया और ये सब वर्ल्ड्स के रिचेस्ट पर्सन है। Now move to the next question. In January 2021, which of the following delivered 8 landing craft utility ship to the Indian Navy? ये तो बहुत ही common question है, like GRSC, Garden Research Shipbuilder and Engineers. ये basically आपका कोलकाता में है, ठीक है, ये कोलकाता का है GRSC और ये कॉमन क्वेश्चन है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल रिप्लेस विच कंट्री टू बी द, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये मतलब आता है एग्ज़ाम में, ये पूछेगा ज़रूर, ठीक है, आप इसको कर लेना। इंडिया विल रिप्लेस विच कंट्री टू बी द को चेयर ऑफ द IUCN सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप फॉर 3 ईयर्स। यानी कि इंडिया ने कौन सी कंट्री को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, इंडिया ने कौन सी कंट्री को रिप्लेस किया है और वो को चेयर बन चुके हैं किसके? IUCN सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप 3 साल के लिए, और वो कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। यानी इंडिया ने साउथ कोरिया को रिप्लेस करके अब वो एक मेंबर बन चुके हैं, को चेयर कर रहे हैं, सॉरी को चेयर कर रहे हैं ऑफ द IUCN सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, ठीक है, मतलब साउथ कोरिया की जगह उन्होंने ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये मुझे याद है, ये क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड ब्रेली डे जो है, वर्ल्ड ब्रेली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये मुझे याद है, ये क्वेश्चन मुझे IBPS क्लर्क मेंस में मिला था पिछले साल, 2020 का क्वेश्चन है ये मुझे मिला था, मुझे याद है 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ टेकिंग। वर्ल्ड ब्रेली डे 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, ओके। नरेंद्र बुल कुमार हु पास्ड अवे रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये माउंटेनर थे, ये बहुत ही सिंपल है, ये तो करंट का है, ये माउंटेनर थे नरेंद्र बुल कुमार, ठीक है, ये नहीं रहे। फिर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया लॉन्च द 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका विथ 43 मेंबर्स ऑन बोर्ड? तो ये गोवा स्टेट है, ठीक है, गोवा में लॉन्च किया गया है ताकि इंडिया लॉन्च इन गोवा 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका विथ 43 मेंबर्स ऑन बोर्ड। In January 2021, where did Union Minister धर्मेंद्र प्रधान inaugurated a migrant work cell? ये तो सूरत में इन्होंने inaugurate किया था। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम जो हैं वो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है और इन्होंने इनॉग्रेट कराया माइग्रेंट वर्क सेल सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। Now move to the next question. By 2021, India's food regulator, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), has planned to reduce the level of trans fat in food item from the permissible limit of 5% to what percent? तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों है मैं बताता हूँ. देखो FCI AGM के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले तो ये आप लाइन पढ़ो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. फूड किस से रिलेट करता है? एग्रीकल्चर से. ठीक है, एग्रीकल्चर से. और एग्रीकल्चर का ही ये क्या बोलते हैं, FCI का एक सेक्शन है, FCI AGM में एक सेक्शन है. तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये हर जगह डाल सकते हैं किसी भी सेक्शन में. मतलब कि ये क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स का भी है, ये क्वेश्चन स्टैटिक अफेयर्स का भी है, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर का भी है, और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर इकोनॉमी का है. अब ये एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन ये कौन से सेक्शन में प्रोवाइड करेगा. सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट नाउ, और ये आपको याद करना पड़ेगा. और इसलिए मैं इसमें एडिशनल बताना चाहूँगा आपको कि 5% से करके 3% कर दिया गया है फॉर 2021 के लिए. ठीक है, जो लेवल ऑफ ट्रांस फैट है वो 5% से 3% कर दिया गया है 2021 के लिए. 2022 के लिए इनका टारगेट है कि ये 3% से 2% करेंगे. और फर्दर अगर 2024 या 25 लगा लो, ये इनका टारगेट है कि ये ट्रांस फैट को 0% कर देंगे. ठीक है, ये जो डाटा मैंने दिया ये 2022 का भी पूछ सकते हैं आपसे, तो 2% होगा. रिमेंबर दिस. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which meteorological observatory has been awarded the status of sanitarial observing station in recognition to its long-term meteorological observation exceeding over 100 years of by the World Meteorological Organization? सिंपल से क्वेश्चन में ये पूछा गया है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मेट्रोलॉजिकल होता क्या है. तो देखो मेट्रोलॉजिकल का जो काम होता है बेसिकली ये आपके जो करंट जो टेम्परेचर हो गया या फिर ये जो आपका जो मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है कि आपके मौसम के हालचाल देते हैं. मौसम का लाइक टेम्परेचर्स का, लाइक ह्यूमिडिटी का, लाइक जो आपकी आपदा आने वाली है, डिज़ास्टर लाइक कितने टाइफून, लाइक मतलब जितने भी डिज़ास्टर थिंग है, जितने भी वेदर कंडीशन है, जितने भी आपके लाइक फॉग से रिलेटेड या एनी थिंग इज रिलेटेड टू लाइक सीजन, मतलब वेदर से रिलेटेड वेदर रिपोर्ट को ये वेदर रिपोर्टिंग करता है. अब इस ये कैसे करता है तो मेट्रोलॉजिकल में बेसिकली क्या होता है, ये जो आपने सुना होगा कि इतनी सारी जो सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स होती हैं लॉन्च, ये इन्हीं इनका जो मतलब वो होता है एम, ये वेदर को फोरकास्ट करने के लिए होता है. प्लस जो क्या बोलते हैं आपदा से रिलेटेड है, लाइक कोई डिज़ास्टर ना आए, पहले पता चल जाए कि हाँ अगले 1 महीने या अगले 2 महीने या अगले 3 महीने या अगले 1 साल 2 साल 3 साल जो हमारा वेदर होगा या फिर कोई क्या हमें डेंजर फेस करना पड़ेगा, वो ये सैटेलाइट्स का काम होता है. ये एक्चुअली में हमें हर एक चीज़ बताती हैं. ठीक है, और इसको पूरी तरह मॉनिटर कौन करता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये अलग अलग कंट्री पे अलग अलग होता है. लाइक इंडिया में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD आपने सुना होगा, तो ये हर कंट्री में अलग अलग होता है. तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सबसे पुराना यानी कि सबसे लॉन्ग टर्म मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जो कि 100 साल हो गए हैं, वो कौन से लाइक जिसने 100 साल पूरा कर लिया है वो कौन से लाइक स्टेट है, मतलब कौन से जगह है, वो पटना है इंडिया में. इसमें देखो क्या लिखा है, विच मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्टेटस ऑफ सैनिटेल में होता है 100 ईयर्स ऑब्जर्विंग स्टेशन इन रिकॉग्निशन टू इट्स लॉन्ग टर्म मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एक्सीडिंग ओवर 100 ईयर्स 100 साल पार कर लिया है और वो अभी भी मतलब कंटिन्यू है. तो वो पटना है. ठीक है, पटना बिहार में है, कैपिटल है बेसिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन. Move to the next question. In January 2021, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 450-kilometer Kochi to LNG liquefied natural gas पाइपलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये इन्होंने कहाँ पे किया है? ये मंगलुरु में किया है, मंगलुरु, ठीक है। फ्रॉम 450 किलोमीटर कोच्चि केरला टू मंगलुरु LNG पाइपलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। किसने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टाइड अप विद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू गिव द बेनिफिट्स ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत फॉर ऑल द रेसिडेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज? तो इसका जो करेक्ट एग्जांपल है, सॉरी करेक्ट आंसर जो है वो बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस कंपनी जम्मू एंड कश्मीर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत स्कीम है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इन द नेम ऑफ सेहत, सेहत नाम से, यानी कि अगर आपसे पूछे कि सेहत स्कीम कौन से स्टेट में लॉन्च हुई है तो आप बोलोगे कि जम्मू एंड कश्मीर का है ये। और इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस। अब ये सेहत स्कीम जो है ये बेसिकली है क्या? ये जैसा कि मैंने बताया कि ये आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम है, ठीक है, PMJN। अब इस स्कीम में क्या है एक्चुअल में कि जो कोई एक, सपोज़ ये स्कीम ये कहती है कि ये स्कीम में 5 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली दिया जाएगा, ठीक है। Wait a second, my mother is calling me. Can we disconnect her call? Okay, sorry for the interruption. Like, look, in this question I have told you PMJAY बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने सेहत स्कीम कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं PMJAY, तो मैंने बताया कि 5 लाख पर एनम पर ईयर, 5 लाख पर एनम पर फैमिली को दे रहे हैं। Okay, I have to go because my family is calling. So we have only three questions left. Can we do very quickly? ठीक है, तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया, ये इंश्योरेंस स्कीम है बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस, 5 लाख का वो है, और ये क्या बोलते हैं, सेहत स्कीम के नाम से जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुआ है, ठीक है। बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, और ये बेसिकली इस स्कीम की डिटेल मैंने बता दी, और आपको ये सेहत स्कीम से पूछेगा कि सेहत कौन से स्टेट यूनियन टेरिटरी में या फिर स्टेट यूनियन, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर रघुराम पिलारेसेटी हु हैज़ बीन नेम्ड द इन द न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II इज़ अ वेल नोन। तो ये बेसिकली क्या है? ब्रेस्ट कैंसर की सर्जन है, ठीक है, ये ब्रेस्ट कैंसर की सर्जन है। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुराम पिलारेसेटी, ठीक है। नाउ अनिल पनीचूरन हु पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? ये पोएट हैं बेसिकली, अनिल पनीचूरन जो कि पास हैं, ये पोएट हैं। ये तो करंट का क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुझे 2 मेंस में मिला है, प्रीवियसली जो मैंने मेंस दिए हैं ये मुझे 2 मेंस में मिला है। विच कंट्रीज़ कंपनी एंड यूनिवर्सिटी हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस जंक? तो ये बेसिकली जापान की कंट्री है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, ठीक है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अब आपको एक चीज़ ये देखना है कि कैपिटल तो टोक्यो हो गया, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन सी वर्ल्ड की पहली वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किया है किसको एड्रेस करने के लिए, फॉर द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस जंक, ओके, स्पेस जंक को एड्रेस करने के लिए, तो वो जापान ने किया है, जापान। और ये मेरे को इसलिए याद था क्योंकि मैंने ये याद किया था कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लाइक वुड से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जापान में ही होती है, मतलब वुड से रिलेटेड मैक्सिमम काम जापान में होते हैं। तो मैंने उसको इससे कनेक्ट कर लिया था कि जो वर्ल्ड की फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट है वो प्रॉब्लम स्पेस जंग को एड्रेस करने के लिए जापान की कंट्री लॉन्च कर रही है, लाइक ये वर्ल्ड फर्स्ट वुड बेस्ड सैटेलाइट। सो अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये सैटेलाइट कौन लॉन्च कर रहा है, जापान, ठीक है। और जापान का मैंने कैपिटल बता दिया, और जापान की जो करेंसी है वो येन है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। लुक लुक फ्रेंड्स, आई हैव गिवन यू लाइक बेस्ट 60 क्वेश्चन, जितना मैं जानता हूँ मैंने आपको बेस्ट 60 क्वेश्चन दिया है। और ये लाइक अगर आप करते हो तो आप लाइक एक मतलब एक अपना वो तैयार कर लो करंट अफेयर्स का, लाइक हाँ कि ऐसे पढ़ना है, ठीक है। और ये जो बेस्ट 60 क्वेश्चंस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर द एग्ज़ाम ऑफ FCI AGM जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। FCI AGM जनरल एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल के लिए भी, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, प्लस अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं उनके लिए ये सारे 60 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ इट। लास्टली लुक, if you are liking my videos, do subscribe the channel, ठीक है। Do subscribe the channel, like the videos, आपको वीडियो भी लाइक करना पड़ेगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपके कोई फ़ीडबैक हैं, लुक, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड दिस इज़ इट। और लास्टली मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ गिव योर लाइक फीडबैक विद रिस्पेक्ट टू द करेंट वीडियोज़ विच आई एम अपलोडिंग, बिकॉज मेरा जो स्पेसिफिक टारगेट है वो आपको बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू द करेंट एग्ज़ाम्स, ओके। सो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट सोर्स मिले जिससे कि आप स्कोर मैक्सिमम करें एग्ज़ाम में, लाइक आपका एग्ज़ाम मतलब बढ़िया हो, ठीक है। तो मेरा अगर ये मोटो है तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्लीज़ डू गिव मी द फीडबैक ऑफ द वीडियोज़, लाइक आपको फीडबैक देने के लिए मैं कह रहा हूँ। Why I'm saying that? Because it actually tells me that whether whatever I am giving you, it is beneficial, positive for you or not. If it is positive for you, then I will like give accordingly that type of content. And if it is not positive for you, then why I am going to give you those content which is not relevant to you? You have to understand this. That is the reason I always emphasize that please give me the feedback, okay. So lastly this is it. And if you are liking my channel, do subscribe the channel. So do subscribe the channel and like the videos, and like if you have any queries feel free to ask. When I am free I will definitely come to your comment, okay. So this is Raj Deepak Singh. Thank you.